हथियारों का प्रयोग किए बिना भी सही जगह पर उनकी मौजूदगी से देश की सुरक्षा में कंट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे देश की टेरिटरी से दूर कुछ स्ट्रेटेजिकली इंपोर्टेंट लोकेशंस पर इंडिया के मिलिट्री बेसिस का होना, ये इसी का तो एग्जांपल है। रिसेंटली चर्चा में आया कि मॉरिशस के एलिगेला आइलैंड इंडियन ओशन में इंडिया एक मिलिट्री बेस बना रहा है। हालांकि मॉरिशस की गवर्नमेंट ने कहा यह बात सही नहीं है, लेकिन अल जजीरा न्यूज़पेपर के इन्वेस्टिगेटिव यूनिट ने कहा कि देखिए सैटेलाइट इमेजेस, यहां पर इंडिया कंस्ट्रक्शन कर रहा है, एयर स्ट्रिप बनाई गई है, हैंगर्स बनाए गए हैं एयरक्राफ्ट को रखने के लिए। इंडिया ने कहा हाँ हमने किया है। मॉरिशस ने कहा कि हाँ ये कर तो रहा है इंडिया, लेकिन अपने लिए नहीं कर रहा, ये तो हमारी डिफेंस फोर्सेस के लिए कर रहा है। अल जजीरा का कहना है कि हमें बेवकूफ माना है क्या? चलिए क्या है मामला जानते हैं। इस एरिया में अगर कोई आइलैंड चर्चा में आए, इंडिया से लिंक किया जाए, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है, मॉरिशस चर्चा में है तो पता होना चाहिए सिग्निफिकेंस क्या है मॉरिशस के साथ रिलेशंस की, और इंडिया इस दिशा में क्या कदम उठा रहा है, मींस का क्वेश्चन यहां से बनता है। जो लोग आप में से प्रिपेयर करने की प्लान कर रहे हैं, तो यूपीएससी के कोर्सेज आपको यहां पर मिल जाएंगे। स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर एक ही जगह आपको करंट अफेयर्स, माइक्रो कोर्स, टेस्ट सीरीज एक जगह अवेलेबल है। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस ऑनगोइंग ऑफर ऑल्सो। 9999 में आपको प्री कम मेंस का कोर्स मिल रहा है। दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ पर इस वीडियो से जुड़ा हुआ MCQ भी आएगा, लगातार अपडेट्स आते रहते हैं, आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। अब जरा देखिए कहाँ पर है एलिगेला आइलैंड। ये इंडियन ओशन है, यहाँ वेस्ट में ये रहा एलिगेला आइलैंड, मॉरिशस का मेन लैंड ये है, ये इसी का पार्ट है। क्लियर है बात? ये आइलैंड 12 किलोमीटर लॉन्ग है और 1.5 किलोमीटर वाइड है। इनके जो अपने लोग हैं, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, वो 300 हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा तो इंडियन वर्कर्स हैं वहाँ पर 450। अल जजीरा का कहना है कि देखिए ये इमेजेस हमने सैटेलाइट से ली हैं, यहाँ पर देखिए एयर स्ट्रिप बनाई गई है, ये यहाँ पर हैंगर्स बनाए गए हैं जहाँ पर कि एयरक्राफ्ट को प्लेस किया जाता है। अक्टूबर 2014 में ये आइलैंड ऐसा दिखता था और 2020 में अब ये यहाँ पर नए नए कंस्ट्रक्शन हो गए हैं। तो इंडिया का कहना है कि हाँ 2015 में हमने ट्रीटी की थी इनके साथ, मोदी जी ने, और कहा था कि हम इस आइलैंड को डेवलप करेंगे, तो हम वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये होता है हैंगर जहाँ पर एयरक्राफ्ट को खड़ा किया जाता है। देखिए ये अब आपको और ज़्यादा क्लियर दिख गया होगा, ये है आपकी एयर स्ट्रिप, ये है आपके हैंगर्स, और यहाँ पर है डॉक जहाँ पर पेट्रोलिंग बोट्स को वहाँ पर हम डॉक कर सकते हैं। इंडिया केवल एलिगेला आइलैंड ही नहीं, इससे अलग जैसे सेशल्स में भी हमने एयर स्ट्रिप बनाने की और डॉक फैसिलिटी करने की हमने MOU साइन किया था, ऐसी मॉरिशस के साथ किया था सेम एयर स्ट्रिप और डॉकिंग फैसिलिटी। साथ में मेडागास्कर का कहना था कि देखिए हमारा एरिया काफ़ी बड़ा है लेकिन हमारे पास सर्वेलेंस के ज़रूरी इंतजाम नहीं है, तो भारत सरकार ने कहा टेंशन वाली बात नहीं है, हम हैं वहाँ पर, हम आपके यहाँ पर रडार्स को लगा देंगे, सर्वेलेंस में हम आपकी मदद करेंगे। अब ये दो दृष्टि से और इम्पोर्टेंट है। पहला तो हम चाइना पर सर्वेलेंस कर पाएंगे क्योंकि इस एरिया में चाइना ने अपनी प्रेजेंस को बढ़ा दिया है। दूसरा चाइना एक्सपेंड कर रहा है अफ्रीका में और इंडियन ओशन रीजन में, और ये रीजन है कंटेस्टेशन का, सिक्योरिटी के लिए भी, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स के लिए भी और रीजनल लीडरशिप के लिए भी। साथ में देखिए यहाँ पर है रीयूनियन आइलैंड जो फ्रांस का पार्ट है, हमने जो अपना P-8I एयरक्राफ्ट है जिसकी यहाँ पर बात हो रही है, तो उसको भी हमने एक एयरक्राफ्ट को यहाँ पर भी इंस्टॉल किया हुआ है, रखा हुआ है। कारण क्या है? जिससे कि हम फ्रांस के साथ मिलकर ज्वाइंट पेट्रोलिंग कर सकें, सर्वेलेंस कर सकें। 2015 में मोदी जी ने एग्रीमेंट साइन किया और कहा कि हम आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे लेकिन आपकी फोर्सेस के लिए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पीछे से इंडियन फोर्सेस भी इसका लाभ उठाना चाह रही है क्योंकि एरिया क्या है हमारे लिए स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट है। फिर ये ऑफिशियली बाहर क्यों नहीं आया था, तो इसका एक रीज़न बताया जाता है क्योंकि मॉरिशस यहाँ पर एक बैलेंसिंग स्ट्रेटजी यूज़ करना चाहता है और वो चाइना से भी जितने हो सकता है बेनिफिट्स लेना चाहता है, लेकिन उसको लगता है कि यहाँ पर इंडिया जो है एक रिलायबल पार्टनर है, तो इस वजह से ये इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए सिग्निफिकेंस क्या है मॉरिशस की हमारे लिए, तो सबसे पहले तो देखिए ये इंडिया की वहाँ पर अगर प्रेजेंस होगी तो हम इस एरिया में पेट्रोलिंग कर पाएंगे, सर्वेलेंस कर पाएंगे, राइट? तो सर्वेलेंस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में है, ये प्रोटेक्ट कर पाएंगे अपने फॉरेन ट्रेड को। जरा ये डेटा देखिए, 98% ऑफ ट्रेड बाय वॉल्यूम और 68% ऑफ आर ट्रेड बाय वैल्यू ये इसी एरिया से गुजरता है। साथ में 80% हमारा जो क्रूड ऑयल का ट्रेड है वो भी यहीं से होता है। तो आपने लगता कि इस एरिया में इंडिया की अगर प्रेजेंस रहेगी तो हम अपने इन इंटरेस्ट को सिक्योर कर पाएंगे, क्योंकि अगर चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, चाइना की वहां पर स्ट्रांग प्रेजेंस है, तो चाइना हमारे इस इंटरेस्ट को हैम्पर कर सकता है कि नहीं, राइट? सागर, ये विजन है हमारा इंडियन ओशन के लिए। हम कह रहे हैं सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी कि हम चाइना की तरह एक्सपेंशन नहीं, हम चाहते हैं सुरक्षा भी और आपकी समृद्धि भी।
तो ये उसी दिशा में एक कदम है जो वहां पर हम उनके एलिगेला आइलैंड को डेवलप कर रहे हैं. एनहेंस कैपेबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेज ऑफ मॉरिशस और इंफ्रास्ट्रक्चर को उनको अपडेट करेंगे. अब देखिए एक और रीजन इंपॉर्टेंट है, जियो इकोनॉमिक्स. मॉरिशस की लोकेशन ऐसी है कि वो अफ्रीकन यूनियन का भी पार्ट है, वो इंडियन ओशन रीजन का भी पार्ट है और वो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट इस ग्रुप का भी पार्ट है. तो यानी कि मॉरिशस के साथ हमारे संबंध अच्छे होना ये एक स्टेप क्लोज कर रहा है अदर ज्योग्राफीज में हमारे इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए, राइट? तो इस वजह से भी मॉरिशस इंपॉर्टेंट हुआ. अब जरा चाइना का एंगल समझते हैं. चाइना हर साल $20 मिलियन केवल रेंट देता है जिबौती को, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर एक कंट्री है. किस वजह से? अपना बेस वहां पर बनाया हुआ है 2017 से, और वो कहता है ये उनकी खुद की डिफेंस पॉलिसी का पार्ट है. क्यों है? वो कहता है दो रीजन है. एक तो हमें मैरिटाइम सिक्योरिटी करनी है. क्यों? एंटी पायरेसी. उनका कहना है कि हमारा इतना सारा ट्रेड इस एरिया से होकर गुजरता है, सोमालिया और अदर एरिया से पायरेट्स उसको नुकसान पहुंचाते हैं, हमने ये बेस इसलिए बनाया है. यानी कि इंडिया का नाम नहीं है यहां पर, रीजनल हेजमनी बनने का नाम नहीं है यहां पर, का है एंटी पायरेसी. दूसरा ह्यूमैनिटेरियन. ये क्यों? उनका कहना है कि हमारी फोर्सेस अफ्रीका की जहां पे भी डिस्टेबिलिटी होती है, अनस्टेबिलिटी होती है, तो वहां पर हमारी फोर्सेस वहां पर रहती हैं, यानी कि पीस कीपिंग ऑपरेशन में. तो ऐसे में उनको ऑन ग्राउंड सपोर्ट देने के लिए अगर हमारा बेस यहां पर होगा तो बेहतर होगा. तो यानी कि दो रीजन उसने दिए. अब जरा ये है जिबौती. ध्यान रखिएगा माउंट मूसा ये जिबौती में पड़ता है, ये गुल्फ ऑफ एडन है, ये रेड सी का रास्ता है, ऊपर है स्वेज कैनाल. तो यानी कि चाइना का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होना आपको नहीं लगता? ये वर्ल्ड का बिजिएस्ट सी ट्रेड रूट है, इस पर एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया ये तो, राइट? तो स्ट्रेटजिकली पोजिशन है, क्रिटिकल मैरिटाइम चौक पॉइंट है ये. अभी यही बताया मैंने आपको, ये रहा आपका स्वेज कैनाल और यहाँ पर जिबौती में बैठा है चाइना. और केवल चाइना ही नहीं है, अदर नेशंस भी हैं. कंसर्न क्या है हमारे? जिबौती में चाइना है और इधर ग्वादार में चाइना है, इधर हम्बन टोटा हो गया, इधर क्योप्यू हो गया. तो कहने का मतलब है ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी है, यानी कि भारत के एनसर्कलमेंट करने की स्ट्रेटजी है, ये उसका पार्ट हो गया. तो ऐसे में इसके काउंटर में जो पोजीशंस हैं इंडियन ओशन में वो हमको होल्ड करनी होंगी, राइट? तो ये रेज करता है पॉसिबिलिटी अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट कर देगा चाइना अपनी फोर्सेस का इस एरिया में इंडिया को एनसर्कल करने के लिए. तो हमें पहले से इस दिशा में सोचना पड़ेगा. साथ में चाइना के लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि यहां पर इसी जिबौती में कैंप लेमेनोर है, जो कि यूएस का बेस है. यूएस का अफ्रीका में परमानेंट बेस है जिबौती में ये, और उसी के पास चाइना ने अपना बेस बनाया. तो यानी कि यहां पर सर्वेलेंस रखा जा सकता है यूएस पर भी. चाइना का जो सिल्क मैरिटाइम ट्रेड रूट है, यानी कि चाइना क्या कर रहा है, मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है. जैसे कि अच्छा केन्या, हम चाहते हैं कि आपके यहाँ से हमारा व्यापार बढ़े, लेकिन आपका पोर्ट जरा छोटा है, चलिए हम इसको डेवलप करने में आपकी हेल्प कर देते हैं. जिबौती हम आपकी भी हेल्प कर देते हैं, इधर एथेंस इधर भी आपकी हेल्प कर देते हैं. पर्पस क्या है? जिससे कि हमारी कार्गो का इस एरिया से आसानी से आना जाना हो सके, ट्रेड आसानी से हो सके. तो उस ट्रेड को सिक्योर करने के लिए ये जो चौक पॉइंट्स हैं, यहाँ पर चाइना ने अपनी प्रेजेंस को बढ़ाया है. आई थिंक ये कनेक्ट हो गया होगा. लेकिन क्वाड रीजंस के लिए ये थोड़ा प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि हम चाइना की एक्सपेंशनरी पॉलिसी को काउंटर करना चाहते हैं, लेकिन इधर चाइना अफ्रीका और यूरोप की तरफ बढ़ता जा रहा है. ये जो आप मैप देख रहे हैं, इसमें जो आपको लोकेशंस दिख रही हैं, ये लोकेशंस सभी की सभी चाइना को मिले हुए पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि 2010 से 20 के बीच, यानी कि 10 साल में चाइना ने इतने सारे एरिया में, सारे देशों में, अफ्रीका में चाइना ने प्रोजेक्ट्स ले लिए हैं, पावर जनरेशन प्रोजेक्ट. साथ में यहाँ पर जो दो साइन आपको दिख रहे हैं, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं. तो आपको नहीं लगता कि चाइना अपनी डेट ट्रैप पॉलिसी को यहाँ पर यूज कर रहा है? ऐसा हो सकता है. अगर ये रिपे नहीं कर पाए, सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी. तो इस एरिया की जो मार्केट है, इस एरिया की जो लोकेशन है, उसमें हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो एक्चुअली लिमिट हो सकते हैं अगर चाइना की स्ट्रेटजी यहां पर काम कर गई तो. और मैंने आपको बताया हमेशा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये मायने रखता है कि आपके संबंध कहां हैं, किस समय पर हैं और किस कंडीशंस पर हैं. अगर इस समय पर हम बैकफुट पे रहते हैं तो आगे 10 साल बाद चाइना की प्रेजेंस ज्यादा होने की वजह से जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे मेक इन इंडिया, अगर हम इन मार्केट्स में पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे तो क्या हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम्स क्या सही में सक्सेसफुल हो पाएंगे? नहीं, राइट? अब जिबौती में मैंने कहा कि और भी पावर्स का बेस है. फॉर एग्जाम्पल, चाइना का बेस अभी हमने बताया आपको, जापान का अंबोली एयरपोर्ट पर प्रेजेंस है, जिबौती की ही बात कर रहे हैं. इटली का भी बेस है, फ्रांस का भी बेस है, यूनाइटेड स्टेट्स का भी बेस है. सऊदी अरब अभी नेगोशिएशन में, वो कह रहा है यमन में हमें काउंटर करना है, तो इसके लिए जिबौती में हमारी प्रेजेंस होनी चाहिए. तो कुल मिलाकर बात हुई कि
जिबौती की लोकेशन ऐसी है कि हर कोई इंटरेस्टेड है, क्योंकि बिजिएस्ट सी ट्रेड रूट यहाँ से जाता है, राइट, और इस वजह से एक अच्छा खासा रेंट जिबौती के पास आता है। अब जरा एक क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज प्रेजेंस इन साउथ वेस्ट इंडियन ओशन। आई थिंक अभी जो सिग्निफिकेंस की बात करी उससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।